से अलवर में चालू वर्ष के दौरान तकरीबन 25 एसीबी द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी सेवा लोक सेवा से जुड़े सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके तहत एसीबी ने भी अभी पूरी तरह कमर कस ली है। साथ ही एसीबी से जुड़े प्रदेश स्तरीय अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस दीपावली पर यदि किसी भी लोक सेवक द्वारा गिफ्ट प्रथा के तहत रिश्वत लेने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोमवार को अलवर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जुड़े न्याय शाखा में कार्यरत बाबू अजय शर्मा को पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के नाम पर परिवादी से 1800 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कार्यालय से जुड़ा बाबू अजय शर्मा एसीबी टीम को देखकर भागने का प्रयास करता हुआ भी देखा गया। सर, अलवर कलेक्ट्रेट में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अलवर में लगातार एसीबी एक्टिव है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कौन गिरफ्तार हुआ है, कहां से गिरफ्तार हुआ है? सर आज हमारे पास परिवादी आया था और उसने कहा कि मेरे भाई का चयन जो है आर्मी में ड्राइवर के पद पर हो गया और उसका वेरिफिकेशन लक्ष्मणगढ़ थाने से होकर के कलेक्टर साहब के कार्यालय में न्याय शाखा है उसमें आ गया है और वहाँ से संबंधित डिपार्टमेंट को जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पे पदस्थापित वरिष्ठ सहायक हैं अजय शर्मा, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपके भाई का वेरिफिकेशन आ चुका है बट आप 2000 रुपये रिश्वत की राशि दोगे तो मैं इसको आज ही भेज दूंगा, नहीं तो मेरे पास काम ज़्यादा है, मैं नहीं भेजूंगा। वो उसने हमारे को शिकायत की, आज हमने उसका सत्यापन करवाया दिन में और आज शाम को उसको 1800 रुपये लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया। किस तरह से पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, फिर आपने बताया कि ये भाग भी रहा था? वो बाहर गया था कार्यालय में तो परिवादी ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे उन्होंने बोला कि आप कार्यालय में रुको मैं आ रहा हूँ और वो बुलेट मोटरसाइकिल लेके आए और परिवादी को पीछे बैठा के और तालाब की तरफ ले गए। तो मैं और हमारे साथीगण सभी और गवाह उनके पीछे पीछे दौड़ के पहुँचे, तब उसने पैसे हाथ में ले लिए थे और हाथ में लेते मेरे को देखते उसने पैसे ज़मीन पर पटक दिए, वहाँ से हमने बरामदगी कर ली और उनको ट्रैप कर लिया।